कितना नुकसानदायक है। आपकी गर्लफ्रेंड ने कितना नुकसान किया, आप सोचो कितना नुकसान कर दिया उसने। डिलीट कर दो नंबर आज, ब्लॉक कर दो। सुनो, जिसने छोड़ना होता है ना, हेलो नहीं आज के बाद ना तो मैंने फोन करी, नहीं 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 पकड़ कर कर 7:30 से फोन आया थे 8:45 हो गए, नहीं हूं नहीं पकड़ करनी। अच्छा रख तू, नहीं तू रख, नहीं नहीं तू रख सवा घंटा हूं नहीं बदलना कर, क्या है क्या क्या कर रहे तू। सुनो, कुछ लोग कॉमेडियन होते हैं पैसा कमाने के, हाँ आपको हंसा के वो अमीर हो जाते क्योंकि उन्होंने कुछ किया है, मेहनत की। ओके, कॉमेडी सबसे कठिन काम है, एक्टिंग में सबसे मुश्किल कॉमेडी, टाइमिंग क्या बोलना है कितना बोलना है। ओके, अब ये दिमाग में रखो कि जिसने करना है ना वो खत्म, फिनिश, डिलीटेड, ब्लॉक, कहने की भी जरूरत नहीं। मान लो मैं ब्लॉक कर दिया, फिनिश हो गया, रिलेशनशिप फेसबुक पे डाल दो, चेंज, एंगेज्ड टू होली स्पिरिट, वो पेपर लेके आओ बचन वाला तो लिखा हो, समझ आई कि नहीं। सुनो, अगर तो सीरियस हो, अगर ऐसे चर्च में आना तो मैं भी ठीक हूं, आओ भीड़ भीड़ हो रही है, हीलिंग लो जाओ, क्या चक्कर है। लेकिन अगर लाइफ में कुछ करना है और इफेक्टिवली करना है, दुनिया के बेस्ट देशों में सीट्स खाली हैं आप लोगों के, बेस्ट प्लेसेस इंडिया में, बेस्ट जगह है, बेस्ट पोजीशन, बेस्ट ब्लेसिंग, पर सुनो खाली हैं वो। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अगर सरकार को, अगर आज पंजाब सरकार बोले कि हमें ये डबल पीएचडी के बाद भी ऐसा पढ़ा हुआ बंदा चाहिए हमें जरूरी, अगर कोई नहीं आता तो क्या वो 12वीं पास को रख लेगी उस जॉब के लिए? नहीं, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा जो उनको चाहिए, चाहे बंदा ना हो, चाहे 6 महीने के लिए वो कुर्सी मतलब वो खाली पड़ा रहे। उसी तरह परमेश्वर, सीट खाली पड़ी है कई जगह, मैं देख रहा हूं स्पिरिट में। हाँ, वो क्यों नहीं पहुंच रहे? वो एक 4 फुट की गर्लफ्रेंड ने रोका हुआ, और एक लंबे से बॉयफ्रेंड ने रोका हुआ, बाल टेढ़े करके रोका हुआ। टेढ़े बाल करना बुरी बात नहीं, पर आज और उसे यीशु मसीह के लिए करो, यूथ मीटिंग में मैं भी टेढ़े करके आऊंगा, चिंता मत करो। हालेलुया, आप समझ रहे मेरी बात क्या? नहीं सुनो, एक वचन को मैं पढ़ू, इफिसिया 1:13-14 आए, कहता तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का समाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया और प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। क्या लगी? छाप का मतलब है इंग्लिश में सील, सील हो गया वचन। कैसे? पुराने टाइम में राजा लोग जब अपनी किसी चिट्ठी को भेजते थे, अपनी अंगूठी की छाप लगाते थे, उसे कोई फाड़ नहीं सकता था, कोई उसमें हेरफेर नहीं कर सकता था, क्योंकि राजा की अंगूठी की छाप मालूम होती, कोई ऐसी अंगूठी नहीं बनाती। समझ आई कि नहीं? आगे क्या लिखा? कहता वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिराज का बयाना है। आप बयाना करते हो ना, 5 मरले का आपने प्लॉट देखा, आपने कहा मुझे पसंद है, रेट पसंद है, चक्को जी 20% बयाना हो गया, करते हो कि नहीं? अगर कोई और बंदा उस प्लॉट पे कब्जा करने आए, आप बोलोगे भाई साहब क्या हुआ पड़ा है? बयाना हुआ पड़ा, देखो सरकारी बयाना है, ठीक है। कहता जिसमें पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का बयाना है कि तुम्हारी मिराज स्वर्ग में रखी। कोई बंदा ये बोलेगी किसने देखा है स्वर्ग नरक, कोई आगे बताया किसने स्वर्ग नरक? वो पवित्र आत्मा जो लंगड़े चला रहे हैं इस धरती पे, हेवन में लंगड़े नहीं चल रहे वहां, हां वो पवित्र आत्मा जो यहां कैंसर भगा रहे हैं, वो पवित्र आत्मा यहां हीलिंग कर रहे हैं। कहता वो पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर जो है, यीशु मसीह ने कहा मेरी टोकन मनी है, मेरी गारंटी है कि मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊंगा, वो गारंटी, वो बयाना हुआ है आपका, मालूम है कि नहीं? यस, ऊंचा बोलना है, शर्माना नहीं। सुनो मेरी बात, कोई बोले कि मुझे हीलिंग से कोई मतलब नहीं, मुझे किसी चीज, मुझे बताओ कि स्वर्ग कैसे जाना है, स्वर्ग की क्या गारंटी? अच्छा, उसके लिए भी है गारंटी। उसने कहा कि पवित्र आत्मा अगर तुम में है, फिर से पढ़ेंगे, उसने कहा वे अपने मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिराज का बयाना है। हमारी मिराज कहां रखी है? मिराज का ये क्या है? बयाना, तुम्हारा बयाना हो चुका, वो टोकन बनी है तुम्हारी, पवित्र आत्मा अगर तुम में है तो बयाना हो चुका है, रजिस्ट्री हो जाएगी, और ये इंसान नहीं जो मुकरेगा। अब सोच लो लेना है पवित्र आत्मा के नहीं, और ये भी सोच लो कि उसे रखना है सदा के लिए कि नहीं, आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई जबरदस्ती किसी को पवित्र आत्मा से भर नहीं सकता, आप दिल खोलेंगे, पाप छोड़ेंगे, पवित्रता में रहने का फैसला करेंगे तो भरेंगे। हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, परमेश्वर से बात करो, खुदावन मुझे ये पवित्र आत्मा चाहिए, कैसे भी करके चाहिए, मैं हर गुनाह को, पाप को, सब चीजों को छोड़ता, मुझे यही होली स्पिरिट चाहिए जो तेरे अंदर था, जो तेरे दासों के अंदर है, वो पवित्र आत्मा मुझे चाहिए, आज मुझे भरे, मैं यहां से खाली ना जाऊं, पवित्र आत्मा मुझे भरे, मैं मांगता हूं पवित्र आत्मा को, पिता तेरी आत्मा को मांगता हूं जो झूठ बातें जानती है, वो आत्मा जिससे मेरा बयाना हुआ है, वो आत्मा जो बयाने के रूप में दिया गया, वो
टोकन मनी के रूप में दिया गया है वो असली है। आप यहां तो उठा के मांगो, खुदा बंदा को आत्मा से भरे, स्पिरिट से फिल करे, सामर्थ्य से भरे, मांगेंगे मांगेंगे ऊंची आवाज में। स्वीकार करके वापिस आना, अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ, उसे ग्रहण करके वापिस आना, गैर भाषा के साथ भर के वापिस आना। आज सब लोग गैर भाषा में बातें करेंगे और बाकी लोगों को पवित्र आत्मा उतरेगा, मैं जानता हूं। गैर भाषा में बातें करेंगे, यीशु मसीह के नाम में ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस गैर भाषा में बातें करेंगे, गैर भाषा में बातें करेंगे, गैर भाषा में बातें करेंगे। होली गॉस फायर प्यारे नहुना मखा समखंदा नमखना नबलता रबसी बंदो आत्मा भी आने के रूप में दिया गया। ग्रहण करो, ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो फायर को, रिसीव करो फायर को, रिसीव करो फायर को, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। होली स्पिरिट को ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तुम पे उतरे, जितने सुन रहे पवित्र आत्मा तुम पे उतरे। दिले खत्म करो लिगो रखा बस खाना बस करना बस समय मंदे लेप्रो सो खाला बस चक बस चक बस खान दो नंदू मस्ता न मंदे लिगो यंदा न बस चक मा नंदू का न बस चक मा खून का न बस दर बस खान दो यार भाषा तुम पे आ रही, यार भाषा तुम पे आ रही, यार भाषा तुम पे आ रही। हर साल यार भाषा को बोली तारीफ करते हुए लिगो रखा ना बस चक बस खाना बस लेप्रो सो खाला 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 बस चक बस खाना बस तुम्हारे बच्चे पवित्र आत्मा को ग्रहण करें, तुम्हारे छोटे बच्चे पवित्र आत्मा से भरे, प्यार भाषा से भरे, जिनके पास प्यार भाषा है उनके शब्द बढ़ते जाएं, उनके शब्द बढ़ते जाएं, उनके शब्द बढ़ते जाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे शब्द बढ़ते जाएं। तुम्हारे शब्द बढ़ रहे पवित्र आत्मा प्यार भाषा में। Catch the fire! Holy Ghost! 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 ये युद्ध से वापिस नहीं जा रहा यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ये युद्ध से वापिस नहीं जा रहा यीशु मसीह के नाम में।